महाराष्ट्र कांग्रेस के रवैये पर राहुल गांधी बेहद नाराज हैं। राहुल गांधी सीट बंटवारे के फॉर्मूले से लेकर घटिया उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने तक से नाराज हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी पार्टी की बैठक बीच में छोड़ चले गए। एक दिन पहले ही विजय वडेट्टीवार ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने सीट शेयरिंग के मुद्दे पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे से बात तक नहीं की। वडेट्टीवार ने कांग्रेस पर हरियाणा में मिली हार से सबक नहीं सीखने का आरोप भी लगाया था। और अब राहुल गांधी की नाराजगी की खबरें हैं, मतलब कि खड़गे के कामकाज को लेकर राहुल गांधी ज्यादा खुश नहीं। और अगर महाराष्ट्र के नतीजे भी हरियाणा जैसे ही आए तो खड़गे के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। राहुल महाराष्ट्र में टिकट बंटवारे से नाराज हैं, क्योंकि टिकट बांटने में कुछ खास नेताओं के लोगों को खुश किया गया। राहुल गांधी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस नेताओं द्वारा बनाए गए प्रत्याशियों की लिस्ट से नाराज हैं। राहुल ने इसे पक्षपातपूर्ण बताया, जिसमें कुछ अक्षम नेताओं को भी टिकट बंटवारे में ज्यादा वरीयता मिली है। जानकारी के मुताबिक ये सारा प्रकरण उस दिन का है जिस दिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों पर कांग्रेस हाईकमान की बैठक हो रही थी। अब तक पार्टी ने महाविकास आघाड़ी सीट बंटवारे के तहत 85 सीटों में से 48 के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी कांग्रेस चुनाव समिति को सौंपी गई स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से चुने गए नामों से निराश थे और उन्होंने बैठक में इस पर चिंता जताई। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उम्मीदवारों के नामों की जो सूची दी गई है वो महाराष्ट्र के कुछ नेताओं के पक्ष में है। इतना ही नहीं, महाविकास आघाड़ी के तहत सीट बंटवारे को लेकर भी राहुल गांधी नाराज थे। राहुल इस बात से भी नाराज हैं कि विदर्भ कांग्रेस का गढ़ है और इसके बावजूद सीट बंटवारे में विदर्भ जैसे क्षेत्रों में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को सीटें दे दी गई। राहुल ने सीट बंटवारे के इस फॉर्मूले पर सवाल भी उठाए। एमवीए में अब तक ने कुल 288 विधानसभा सीटों में से 255 सीटों पर सहमति बना ली है। इसके तहत उद्धव सेना, कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन लगभग 33 सीटों का फैसला होना अभी बाकी है, जिसमें से कुछ सीटें सीपीएम, समाजवादी पार्टी और दूसरे सहयोगियों को दी जानी है। लेकिन करीब 20 ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर अब तक गतिरोध बना हुआ है। राहुल गांधी के नाराज होने के बाद एमवीए में सीटों का झगड़ा और तेज हो सकता है। माना यह जा रहा है कि अब कांग्रेस उद्धव ठाकरे को एक भी सीट नहीं देना चाहेगी। अगर ऐसा हुआ तो एमवीए में आपसी टकराव बढ़ना तय है। महाराष्ट्र में टिकटों को लेकर जिस तरह की गुटबाजी हुई, वैसी ही कहानी हरियाणा में दोहराई जा रही है। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा ने अपने 72 लोगों को टिकट दिलवा दी, जिसके बाद पार्टी में घमासान मच गया और कांग्रेस को शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा। अब महाराष्ट्र में भी कुछ वैसा ही होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।